आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश, वरना कट जाएगा कनेक्शन। बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक अपने बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करवाने के निर्देश दिए हैं। यह EKYC प्रक्रिया उपभोक्ताओं को अनुदान और अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी। आधार लिंक नहीं करने पर दिक्कत हो सकती है। बिजली बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं को अपने बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए निर्देश जारी किए हैं, ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यह प्रक्रिया न केवल उपभोक्ताओं को अनुदान और अन्य सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करेगी, बल्कि बिजली वितरण में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में भी एक अहम कदम है। बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि। चौपाल विद्युत उपमंडल के सहायक अभियंता हिमांशु नैनवाल ने जानकारी दी कि 1 अक्टूबर से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। उपभोक्ताओं को यह EKYC प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी। यह निर्देश चौपाल मंडल के उपभोक्ताओं के लिए जारी किए गए हैं, लेकिन इसे समय पर पूरा करना सभी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की सेवाओं में रुकावट न आए। क्यों जरूरी है यह प्रक्रिया? बिजली मीटर को आधार से लिंक करवाने का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं को सरकारी अनुदान और सुविधाओं का लाभ समय पर और सीधे प्रदान करना। इससे अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम होगी और उपभोक्ताओं को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। अगर उपभोक्ता यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उन्हें मिलने वाले अनुदान या छूट से वंचित होना पड़ सकता है और उनके बिजली बिलों में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। जरूरी दस्तावेज। EKYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं: आधार कार्ड। बिजली मीटर को लिंक करने के लिए उपभोक्ता का आधार कार्ड अनिवार्य है। मोबाइल नंबर। OTP प्राप्त करने के लिए एक सक्रिय मोबाइल नंबर जरूरी होगा। पिछला बिजली बिल। बिजली उपभोक्ता को अपना पिछला बिजली बिल भी प्रस्तुत करना होगा, ताकि सही जानकारी सुनिश्चित की जा सके। कैसे करें EKYC? ऑफलाइन तरीका। उपभोक्ता अपने निकटतम बिजली कार्यालय में जाकर सभी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे और EKYC प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया। अगर उपभोक्ताओं के पास ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा है, तो वे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से भी EKYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बिजली बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर, दस्तावेज अपलोड कर और OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी। सहायक अभियंता नैनवाल ने कहा है कि उपभोक्ताओं को समय से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई उपभोक्ता 31 अक्टूबर तक अपने बिजली मीटर को आधार से लिंक नहीं करवा पाता है, तो उसे भविष्य में बिजली बिल में मिलने वाले अनुदान और अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। इसके अलावा अनियमितताओं या देरी की स्थिति में अतिरिक्त शुल्क या अन्य कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस योजना से जुड़े फायदे। डिजिटल पारदर्शिता। आधार से लिंकिंग के माध्यम से बिजली वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जिससे गलत या फर्जी बिलिंग की संभावना कम हो जाएगी। सीधा अनुदान। इस प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का लाभ सीधा मिलेगा, जिससे कोई बिचौलिया नहीं होगा। सरल और प्रभावी सेवा। उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान, अनुदान प्राप्ति और शिकायत दर्ज जैसी सेवाओं को आसानी से डिजिटल माध्यम से कर सकेंगे। बिजली मीटर को आधार से लिंक करवाना उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य कदम है। इस प्रक्रिया से बिजली वितरण की पारदर्शिता और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार होगा। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे समय से पहले यह प्रक्रिया पूरी करें, ताकि वे अनावश्यक परेशानियों से बच सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर, और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।